अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन कमाल और आप देख रहे हैं कमाल स्पोर्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त कांटेदार मुकाबला देखने को मिला। शानदार बॉलिंग की पाकिस्तानी बॉलर ने और क्या है कमाल की बल्लेबाजी की भारतीय बैट्समैनों ने, खासकर नसीम शाह ने ज़बरदस्त बॉलिंग की और विराट कोहली ने की शानदार बल्लेबाजी। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच खेला गया, सभी जानते हैं बहुत कांटेदार मुकाबला होता है, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला होता है और आज ऐसा ही मुकाबला देखने को मिला। पाकिस्तानी टीम का स्टार काफ़ी कमज़ोर था, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैनों ने 160 रन का मजमू किसी ना किसी तरह बोर्ड पर सजा दिया और उसके बाद पाकिस्तानी बॉलर ने बॉलिंग भी शानदार की, लेकिन विराट कोहली ने पाकिस्तानी बॉलर से फतह छीन ली। दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान के अगले मैचेस की, तो पाकिस्तान सिर्फ एक मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान के 4 मैच बाकी हैं, जो पाकिस्तान ने बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, नैदरलैंड और जिम्बाब्वे जैसी टीमों के साथ खेले हैं। इनमें साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, अगर पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका को शिकस्त देता है और बाकी तीनों मैचेस में भी कामयाबी हासिल करता है जिम्बाब्वे, बांग्लादेश और नैदरलैंड के खिलाफ भी, तो मैच एक ही है पाकिस्तान का है और वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच पाकिस्तानी टीम खेलेगी। अगर उस मैच में पाकिस्तानी टीम कामयाबी हासिल करता है और बाकी तीनों मैचेस भी जीतता है तो पाकिस्तानी टीम 4 मैच जीत जाएगी। दोस्तों, अगर भारत साउथ अफ्रीका को शिकस्त देता है और पाकिस्तान भी साउथ अफ्रीका को शिकस्त देने में कामयाब होता है तो साउथ अफ्रीका 2 मैच हार जाएगी और 3 बाकी वो जीत भी जाए तो पाकिस्तानी टीम 4 मैच जीत जाएगी। पर लेकिन पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका को हर हाल में शिकस्त देना पड़ेगी और बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और नैदरलैंड के खिलाफ भी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए फतह हासिल करना होगी और मैच एक ही अहम है और वो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। आज का मैच शानदार रहा, वसीम जुनियर को पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होना चाहिए था, 4 फास्ट बॉलर के साथ पाकिस्तानी टीम को मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने ऐसा नहीं किया और मोहम्मद नवाज का एक ओवर पाकिस्तान को मैच हरवाने के लिए काफ़ी साबित हुआ। पाकिस्तान का जो 12वां ओवर था उसमें चार्ज किया भारतीय बल्लेबाजों ने और मैच का 5 ओवर दिया और पाकिस्तान के जो बाकी 4 मैचेस हैं उन्हें ज़बरदस्त कप्तानी और बैटिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम को कामयाबी हासिल करना होगी ताकि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।